क्लास 9 बेटा आज चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ चुके हैं, इसकी थ्योरी, उसकी डेरिवेशन, उसके न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, क्लास 9 फिजिक्स। बेटा सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आप इसको देख लीजिएगा। मैं अभी यहाँ पर रीड भी कर देता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 के। उसके बाद फिर हम इसकी जो है डेरिवेशन करेंगे, और बेटा उसके बाद फिर हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। और थ्योरी के लिए आपके पास जो है बुक हैगी, उसके अंदर आप निशान लगा लेंगे। फिर भी अगर किसी को कोई मसला होता है थ्योरी के अंदर निशान लगाने में, तो वो जुमेरात वाले दिन और हफ्ते वाले दिन जो है मुझसे रब्ता कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा डिफाइन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कॉमा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कॉमा सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके अंदर जो है बेटा टोटली जो है डेफिनेशंस हैं और ये आपकी बुक में मौजूद है। उसके बाद दूसरे सवाल पर आते हैं, राइट द फोर डिफरेंस बिटवीन। बेटा इसके अंदर चार डिफरेंस बिटवीन लिखना है, सेंट्रीपिटल फोर्स का और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, स्मॉल जी और कैपिटल जी का, और इसी तरह सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स, ये भी बुक के अंदर मौजूद है। 4-4 पॉइंट्स आप ले लेंगे इसके डिफरेंस के लिए। तीसरा सवाल है, स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। बेटा इसके अंदर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को जो है ना एक्सप्लेन करना है और उसकी जो है डेरिवेशन है ये पूरी ड्राइव करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, ड्राइव ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। इसके अंदर सेंटीपिटल एक्सीलरेशन की डेरिवेशन है ये पूरी भी ड्राइव करनी है बेटा, ये भी मैं करवाऊंगा आपको। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी मैं आपको ड्राइव करवाऊंगा। फिर उसके बाद आखिरी डेरिवेशन ड्राइव एम इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन जी। बेटा ये मास ऑफ अर्थ की डेरिवेशन है, ये भी मैं आपको जो है ना पूरी ड्राइव करवाऊंगा। अच्छा बेटा उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की डेरिवेशन हम देख लेते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने 1686 के अंदर ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का लॉ दिया था। अच्छा इस लॉ के दो पार्ट थे, उसने दिए थे। उसने ये कहा था कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 के। ये मैं पहले थोड़ा आपको सरसरी तौर पर बता देता हूँ। उसने ये कहा था कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मासिस के फर्स्ट पार्ट के अंदर, और सेकंड पार्ट के अंदर उसने ये बात कही थी कि बेटा फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स। मतलब आप डिस्टेंस का स्क्वायर ले लेंगे तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा अब इसके स्टेटमेंट पर पहले आ जाते हैं, उनके स्टेटमेंट में है क्या। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स। उसने कहा था कायनात की हर एक शे दूसरी शे को अपनी तरफ खींच रही है, और हर शे एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद द फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। न्यूटन ने यह बात कही थी कि कायनात की हर पहली शे जो है दूसरी शे को अपनी तरफ जो है खींच रही है, और फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मासेस के। और फिर उसने ये बात कही थी कि फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स के। तो वो यहाँ हमने मैथमेटिकली बताई है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 उसके इक्वेशन नंबर 1 कहा। फिर इसी तरह हमने कहा फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। तो बेटा यहाँ पे सर्कल है, तो सर्कल का जो है हम क्या लेते हैं रेडियस लेते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन दिखा दी। अच्छा आपको ये डायग्राम बनानी पड़ेगी। एक बॉडी ए हमने यहाँ पर आपको दिखाई है और दूसरी बॉडी बी दिखाई है। पहली बॉडी का जो मास है वो m1 है और दूसरी बॉडी का जो मास है वो आपके पास क्या है m2 है। यहाँ पर हमने ये डायग्राम के मुताबिक ये बात दिखाई है कि पहली बॉडी जो है पहली बॉडी को बॉडी बी खींच रही है अपनी तरफ, इसी तरह बॉडी बी को जो है बॉडी ए अपनी तरफ खींच रही है। इनके जो मासेज हैं वो m1 m2 है, और ये फोर्सेस हमने दिखाई हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही है, और बेटा ये हमने इनका डिस्टेंस दिखाया जिसको हम रेडियस कहते हैं। इसके बाद हमें मैथमेटिकली एक्सप्रेशन में देखते हैं, कंसिडर टू बॉडीज ए एंड बी। हम कंसिडर करते हैं दो बॉडीज ए एंड बी ऑफ मासेज m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली प्लेस्ड इट सच देयर सेंटर आर एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम ईच अदर, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम।
सबसे पहले उन्होंने ये बात कही कि हम कंसिडर करते हैं दो बॉडीज ए एंड बी, ए और बी बॉडी को हम सपोज करते हैं जिसके मासेस हैं बेटा m1 m2 प्लेस सच दैट द सेंटर एट अ डिस्टेंस आर, उनके जो दरमियान जो सेंटर है बेटा उसको हम r से शो करते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन देम और इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम f से शो करते हैं। देन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, पहले पार्ट में उसने वही बात कही थी कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 के, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। फिर हमने सेकंड पार्ट में ये बात कही थी फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स के, तो हमने इसको f प्रोपोर्शनल की साइन 1/r2 और डायरेक्टली को हम हमेशा मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखते हैं बेटा और इनवर्सली को हम हमेशा 1/form की फॉर्म में लिखते हैं। इसके बाद हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अच्छा, अब कंबाइनिंग की शर्त होती है कि लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए। तो आप अगर गौर से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर भी एफ है और यहाँ पर भी एफ है, तो इसका मतलब हम इसको कंबाइनिंग कर सकते हैं। तो हमने लिखा कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 इनटू बेटा एफ दो दफ़ा था, हम एक ही दफ़ा लिखेंगे, एफ जो है एक दफ़ा था, हम इसको एक ही दफ़ा लिख दो दफ़ा था हमने इसको एक दफ़ा लिखा है और यहाँ पर जो है प्रोपोर्शनल की साइन एज इट इज रहेगी। m1 m2 हमने एज इट इज लिख दिया और 1/r2 भी एज इट इज लिख दिया। जब भी हम जो है प्रोपोर्शनल की साइन हटाते हैं, हम जब भी प्रोपोर्शनल की साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगा, प्रोपोर्शनल की साइन हटाते हैं तो हम इक्वल टू लगाते हैं, हम इक्वल टू लगा देते हैं और m1 मल्टीप्लाई m2 अपॉन r2 एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद हमने f equal to ऐसे रहा m1 m2 अपॉन r2 ऐसे लिख दिया। फिर f equal to प्रोपोर्शनल की साइन जो हटेगी यहाँ से, प्रोपोर्शनल की साइन जब हम हटाएंगे तो बेटा एक कांस्टेंट लगाएंगे और वो कांस्टेंट हमने यहाँ पर यूज करा है g यूज करेंगे, तो प्रोपोर्शनल की साइन हटेगी तो g आ जाएगा, m1 m2 अपॉन r2 आपके पास एज इट इज रहेगा। यही हमें ड्राइव करने की, आप दोबारा यहाँ पर देख लेंगे बात, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में हमने बताया था कि एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 के, और जो सेकंड इक्वेशन में है हमने उसमें ये बात कही थी एफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स। इसके बाद हमने क्या करा, इन दोनों इक्वेशनों को हमने कंबाइनिंग करा, कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, सबसे पहले हमने एफ लिखा, एफ ऐसे रहा, प्रोपोर्शनल की साइन दोनों में थी हमने एक दफ़ा लिखी, फिर उसके बाद m1 m2 बैठा ऐसे का ही ऐसे लिखा, मल्टीप्लाई की साइन 1/r2 एज इट इज लिख दिया। इसके बाद हमने क्या करा, f प्रोपोर्शनल आपके पास एज इट इज ही रखें इसको, f प्रोपोर्शनल आपके पास एज इट इज रहा, m1 मल्टीप्लाई m2 वनजा m1 मल्टीप्लाई m2 अपॉन r2 ऐसे रहा। इसके बाद हम क्या करते हैं, जब भी प्रोपोर्शनल की साइन हटाते हैं तो इक्वल टू तो आपको लाजमी आएगा, लेकिन उसके बाद जब हम प्रोपोर्शनल की साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट यूज़ होता है और वो कांस्टेंट जो न्यूटन ने यूज़ करा था वो जी यूज़ कर रहा था बेटा, इक्वल टू आ गया, प्रोपोर्शनल की साइन हट गई, जी m1 m2 अपॉन r2 और जी जो है यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इसकी वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। ये हमें यहाँ पर ड्राइव करनी है।